स्वतंत्रता दिवस है जिसका आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमने अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें उन वीर सपूतों को, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को आज उनको नमन करें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने सब कुछ अपना त्याग किया, अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत में लगभग 200 वर्ष तक पराधीन रहा था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किए थे उसको आज याद करें और उसको नमन करें, उनको अच्छी श्रद्धांजलि दें। हम वीर सैनिकों को भी अपने श्रद्धा, अपनी श्रद्धांजलि दें जो हमारे हर समय हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर सुरक्षा करते रहते हैं। उनका भी हमें सच्चे हृदय से उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर पर सुरक्षित हैं, अपने देश में सुरक्षित हैं, वो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा राष्ट्र आज एक प्रगति के राह पर है, उसका श्रेय हमारे उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को हुआ जिन्होंने हमको जिस मुकाम पर डाल दिया था। आज हमारा भारत जो अदर्श वायरस COVID-19 का संघर्ष कर रहा है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है, उस समय हमारे पड़ोसी देश चाइना ने जो हमारे ऊपर, हमारे सैनिक जो वहां लद्दाख में सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, उनको अचानक कई अधिक संख्या बल से उनका अटैक किया, तो हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने से लगभग चौगुना जो उनकी सेना थी उनको परास्त किया, उनको मारा और अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे वीर सैनिकों को भी हम हृदय से सम्मान करें, नमन करें, ये प्रिपेयर रहे कि आगे वाला समय भी हमें संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहता है। इसके लिए हमें हमेशा इसके लिए तत्पर रहना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें समय के एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। ये हम करेंगे तभी हम अपने राष्ट्र के लिए, एक हमारे राष्ट्र के फ्यूचर के लिए, उसकी उन्नति में उसका सहयोग कर पाएंगे। हम हमेशा अपने शैलवाद में न रहें, हम हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, राष्ट्र के हित में ही वर्क करें। यही उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा उनको नमन करते रहना चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं बार बार आपको आग्रह ये करता हूं कि आप हमेशा इसको निग्लेक्ट न करके यही हमारे कुल सपूतों को श्रद्धांजलि होगी। वो देखेंगे हमारा, हमारे जो आगे भावी पीढ़ी है वो तो अपने देश को किस तरीके से आगे ऊपर ले जा रही है, किस तरीके से हमारे भारत को विश्व रूप की तरफ मोड़ा जा रहा है, तो उनको बहुत प्रसन्नता होगी। तो उसमें हम अपने साथ तत्पर रहें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद।